हाँ हाँ ठीक है ओके बेबी, ये फोन काट के रखना। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के, बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। बाबा जी फरमाते हैं कि ईमेल जितनी मर्जी तरक्की कर जाए लेकिन खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल है। फिर दारू पी क्या है, आज तो उसको मजा चकाती हूँ। तू कौन है? चुड़ैल। हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति हूँ। यार आज लगता है कि बारिश होगी। आज तुम ऐसा कुछ बनाओ जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो। अरे ये मुंह बनाकर क्यों बैठ गई? चाय कौन कौन पिएगा? मैं मेरी भी। हाँ तो बना दो। मैं तो कॉफी पीता हूँ, मुझे तो शुगर है। मैंने तो सुबह ही पी थी। आलू पराठे किसे पसंद है? मेरा तो उपवास है, मुझे तो भूख ही नहीं है। पांक, पांक। मुझे तो आलू ही नहीं पसंद। बन गए हैं। यार मियाँ जी आज मेरा हलवा खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो जान बना लो ना। यार सूजी नहीं है तो मैं अभी ले आता हूँ। यार ये कौन सी ओ रहने दो भाई, कर्फ्यू लगा हुआ है। ये ना हो सूजी लेने जाओ और सूजी हुई लेके आओ। माँ पापा की चटनी बना दो। पापा की चटनी तो बेटा मैं बनाती हूँ। मम्मी ये ग्लास बिना उठाए अगर आप ये नोट निकाल लो तो नोट आपका। मैं नहीं कर सकती। क्यों? तुमने चिपका रखा है। मैंने नहीं चिपकाया, देखो ये देखो कुछ चिपकाया नहीं है मैंने। अब अगर इस ग्लास को बिना हटाए आपने नोट निकाल लिया तो नोट आपका। आलतू जलालतू आई बला को डालतू। क्या किया आपने? नोट निकाले? नहीं नोट नहीं है। चेक करो। मम्मी 2000 का नोट, जो जीता उसके सारे नोट। ठीक है ये नोट बिना ग्लास आपको उठाए लेना है। सुनते हो? जरा इस ग्लास में पानी देना। आई लव यू। हे गर्लफ्रेंड है मेरी। तुझ में ऐसा क्या जो मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के तेरे पास आऊँ? मेरी बातें बहुत मीठी है। हैं, मेरा तो पूरा बॉयफ्रेंड मीठा है। बेबी मूवी चलें? बेबी कॉर्नर वाली सीट लेना। ठीक है, बट बेबी अगर कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मूवी देख लेंगे। काश तुम शक्कर होती कदे तो मीठा बोलती। काश तू अदरक होंदा कसम ते तने जी भर के कूट के और उबलती हुई चा में गिर के पी जांदी। हां तो गाइस आज सना यूट्यूब से देख के खाना बना रही है, पर जैसा यूट्यूब में दिखाते हैं ना वैसा कभी बनता ही नहीं। तुम ही बना लो। अरे मैं मजा, अरे मजा हो तो तुम कोई जॉब वॉब काम हम क्यों नहीं करते? कहीं दुकान में कोई काम, तो मैकेनिक का काम क्या करूँ? आप बताओ क्यों मांग रहे हो? तो क्या आपकी बहन का रिश्ता मांगू? बेवजह के जवाब बोलेंगी ना, मैं आपको गाना भी सुना के दिखा दूंगा। अच्छा सुन तो लें एक दफा। अच्छा सुन, ज़ैनब
कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा हैं। डियर जैनब अब तू सलामत है, तेरी हंसी हुई वो तस्वीरें जीत की अलामत हैं। डियर जैनब कौम शर्मिंदा है कि मर गई हवा की बेटी, मारने वाले जिंदा हैं। उम्र 7 साल बेफिक्र वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के, छोटा सा कद और कदम उसके हल्के, और उसकी आंखों में से दुआ माँ की झलके। उसे ना समझ आई हुआ क्या और हुआ क्यों, वो पूछेगी खुदा से कौन था वो ऐसा क्यों। कितने सवाल होंगे उसके लबों पे, और इधर पुलिस चढ़ के नमक मेरे जख्मों पे। अब पीछे रह गए मुजाकिरात मुजाहिरे, सोशल मीडिया भी चुप भूल गए सब जाहिर है। ये हम तो बस फॉलो करते ट्रेंड, वक्त गुजर जाता है वी स्टोरी जरा एंड। लेकिन कब तक हवा की बेटी डरती रहेगी, और कब तक वो इज्जत के मारे ही चुप रहेगी, और कब तक अहले खाना इज्जत बचाते रहेंगे, और कब तक हम नाबालिग जनाजे उठा